गुड इवनिंग साथियों स्वागत है आप सभी का डेटा इंटरप्रटेशन की जो सीरीज़ चल रही है उसके अगले पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चलिए तो शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डी आज के फिर से हम आपके साथ लेके जुड़ चुके हैं और पाई चार्ट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट डी देखिएगा ज़रूर देखना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोग अपना पेन पेपर उठा लीजिए जिससे आपका ये सेशन बहुत फ्रूटफुल हो जाए आप सभी के लिए मैं हमेशा से अभी के लिए शॉर्ट वीडियोज़ बहुत शानदार तरीके से बना रहा हूँ तो आज भी आपका बहुत शॉर्ट होगा ये वीडियो दस से पंद्रह मिनट में पूरी पांच क्वेश्चन डी के देख लीजिए आइए सेशन को इन्जॉय करते हैं आसानी से क्वेश्चनों को देखते हैं तो चलिए आपके सामने पीछे डीआई लग चुकी है और डीआई में हम पढ़ने जा रहे हैं आज जैसा कि मैंने बोला वो है पाई चार्ट पाई चार्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना एक सीरीज एक ऑलरेडी डीआई में पढ़ा चुका हूं पाई चार्ट की आज दूसरी आपके पास पाई चार्ट चल रही है ध्यान से सुनिएगा देखो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे डेटा क्या दे रखा है द पाई चोर्ट गिवन बिलो नंबर्स ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी पी क्यू आर एस टी ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पांच कंपनियां दे रखी हैं जो कि 2009 की हैं इन आइदर परसेंटेज और एप्सलूट वैल्यू यहाँ थोड़ी सी पेज फंस जाता है अभी तक हमने क्या पढ़ा था भाई हर जगह परसेंटेज पूरा का पूरा गिवन हुआ करता था लेकिन इस डी में परसेंटेज के साथ साथ एबसोलूट वैल्यू भी गिवन है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यहाँ पे ये यह वैल्यू गिवन है भाई तो ये फाइव टू डबल जीरो वैल्यू है लेकिन पूरे पूरे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन आप इस चीज को थोड़ा गौर करके समझने का प्रयास करिएगा ठीक है भाई तो ये क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने लग चुका है इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे देखिएगा बोल रहे हैं वॉट इज वॉट इज नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय अनदर कंपनी एक्स कोई कंपनी एक एक्स है पता नहीं ये कौन सी कंपनी है एज एफ एक्स परसेंट सोल्ड एक्स परसेंट सोल्ड एक्स सोल्ड ट्वेंटी परसेंट मोर मोबाइल दैन टी मतलब टी ने जितने भी मोबाइल सेल किए हैं उस सेल का बीस परसेंट ज़्यादा मोबाइल एक्स सेल करता है तो पहले तो मेरे पास कंडीशन ही आती है कि भैया टी के पास मोबाइल की सेलिंग है कितनी तो सुनिएगा बहुत ध्यान से ये बात आपको ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे हमें वैल्यूज़ में आंसर मांगा है परसेंटेज में नहीं मांगा है तो भाई मेरे को एक चीज़ बताओ टी की वैल्यू आपके पास क्या है तो टी का कलर देख लो पहले तो टी का कलर यदि हम देखें तो आपको दिख रहा होगा टी का कलर लास्ट में ये वाला कलर दिखने लग रहा है ये आपके पास टी है ये आपके पास पी है ये आपके पास क्या है क्यू है ऐसे आपके पास सीक्वेंस बना रखी है यदि डेटा में वैल्यू मांगी है तो आप सभी को पता होगा पूरा डी आई हंड्रेड परसेंट के बराबर होगा ये पूरा सर्कल है सर्कल पाई चार्ट कहलाता है जो कि हंड्रेड परसेंट की, की वैल्यू डिफाइन करेगा तो मेरे बच्चे आपको पता है जो फिफ्टी टू हंड्रेड है ये फिफ्टी टू हंड्रेड जो वैल्यू है ये किसकी है तो आप पूरे सर्कल को यदि हंड्रेड परसेंट मान रहे हैं तो यदि मैं चौबीस परसेंट पंद्रह परसेंट 25 परसेंट और यदि 20 परसेंट को जोड़ लू तो भाई कितना मिलेगा तो जोड़ने का तरीका मैं ऑलरेडी फास्ट आपको पढ़ा चुका हूँ भाई 25 में 20 जोड़ें तो 45 बनेगा 45 को पाँच पकड़ाओ 50 बनेगा 10 पकड़ाओ 60 बन गया 60 में यदि हम 20 और जोड़ दें तो 80 बनता है और चार चौरासी हो गया इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपके पास ये 16 परसेंट के बराबर होना चाहिए यदि 100 परसेंट हमने माना है तो भाई एक परसेंट की वैल्यू कितनी होगी तो इस नंबर को डिवाइड बाय यदि मैं सिक्सटीन परसेंट कर दूं तो ये एक परसेंट की वैल्यू हो जाएगी तो भाई इस नंबर को यदि हम डिवाइड बाय सिक्सटीन परसेंट कर रहे हैं तो एक परसेंट हो गया लेकिन मुझे चाहिए टी की वैल्यू और टी हमारे पास क्या है भाई तो आप जानते हैं टी पंद्रह परसेंट है इसका यदि मैं पंद्रह परसेंट निकाल दूँ तो मुझे बताओ क्या मुझे टी की सेलिंग मिल जाएगी लेकिन आप इसको सॉल्व मत करिए आप इसको सॉल्व मत करिए ध्यान से समझिए हमारे क्वेश्चन ने क्या बोला है जो एक्स कंपनी है अब टी को हम मारते हैं गोली हटाते हैं उसको ये टी का डेटा निकाल लिया अब सीधा जेड निकालते हैं तो जेड जो आपके पास डेटा है या एक्स डेटा जो हमसे मांगा है वो एक सौ बीस परसेंट ज्यादा है क्योंकि बीस परसेंट ज्यादा इसका मतलब एक सौ बीस परसेंट है मतलब इस टोटल वैल्यू का हमें निकालना है एक सौ बीस परसेंट बोलो भाई बात समझ आई कि नहीं मतलब पूरा क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन में डिकोड कर दिया आपको समझ आया कि नहीं आया एक बार जल्दी से बताइए आया ना अपने आप से बोलते रहो राइट किसी से बोलने नहीं जाना है यदि नहीं समझ आए तो वीडियो को फिर से रिमाइंड कर लो और पूरा प्रोसेस फिर से समझ लो नहीं समझ आएगा तो कमेंट करके मुझे बता देना अगली वाली डीआई में उसको कंसीडर करके मैं बता दूंगा ठीक है भाई इस नंबर को सॉल्व कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं बड़े आसानी से तो देखो ये आपका परसेंट से परसेंट चला गया राइट आप इसको पहले नोट कर लेना और ये कैलकुलेशन आपको करना है मुझे नहीं करना है राइट ये कैलकुलेशन की कहानी आपको करना है ये कैलकुलेशन का तरीका मैं सिंपलीफिकेशन में सिखा रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन करते हैं ठीक है तो मैं चाहूँ तो इसका सीधा आंसर लिख देता हूँ भाई ज्यादा उलझन में आप इसको काटे तो सोलह से ये नंबर कट जाएगा तीन बार पंद्रह एक सबका गुणा करोगे और सौ से डिवाइड करना नहीं भूलना यह परसेंटेज का सौ हटेगा तो आपके पास ये वैल्यू जो बनती है वो फाइव एट फाइव जीरो बनती है तो फाइव एट फाइव जीरो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर मेरे पास इसका राइट right आंसर बनने लगे तो आप पहले मेरी एक चीज समझिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पूरी प्रोसेस को एक लाइन में कन्वर्ट किया आपको ये सीखना है AI को बढ़ाया नहीं जाता है आप सोचे कि मैं हर वैल्यू को निकालते बैठता और फिर उस नंबर को निकालने का प्रयास करता तो ऐसा नहीं करना है कोशिश करना है कि पूरी एक सिंगल यूनिट में आपकी पूरी की पूरी वैल्यू आ जाए आइए अगले क्वेश्चन से जुड़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चनों को ध्यान से रीड करना नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय आर इज वॉट परसेंट ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय रेस्ट ऑफ द कंपनीज मेरे भाई एक चीज बताओ आर की बात कर रहा है ये आर मतलब ये ये रहा बीस परसेंट आर कितना है बीस परसेंट तो मुझे एक चीज बताओ परसेंटेज में आंसर पूछा ना उसने तो भाई आर का परसेंटेज कितना है मेरे भाई बीस परसेंट अब 20 परसेंट है या मैं 20 लिखूं बात बराबर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि भाई यदि हम टोटल का निकालें एक परसेंट उसका 20 परसेंट निकालें तो अल्टीमेटली बात उतनी पड़ना है क्योंकि हमें क्या निकालना है परसेंटेज इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऐसे केसेस में हमें रियल वैल्यू लेने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ती तो आर की वैल्यू में सीधा बीस मतलब बीस ले रहा हूँ और बची हुई रेस्ट यदि हम रेस्ट की बात करें तो भाई मेरे टोटल सर्कल होता कितने का है सौ परसेंट का इसका मतलब ये अस्सी परसेंट अब मेरे क्वेश्चन ने क्या पूछा है आप सभी से मेरे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय आर इज व्हाट परसेंट ऑफ द मोबाइल सोल्ड ऑफ कंपनी रेस्ट तो भाई ट्वेंटी ऊपर आएगा अस्सी नीचे आएगा वॉट परसेंट का केस है इंटू सौ लगा देंगे भाई मेरे ये नंबर एक बट्टा चार बना रहा है एक बट्टा चार आप सभी को पता होगा पच्चीस परसेंट के बराबर होता है लो भाई इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपके सामने क्वेश्चन <coughs> को समझिए चीजें बहुत आसान है जिस बंदे ने प्रैक्टिस करी होगी उसके लिए ये चीजें बहुत आसान ठीक है नहीं तो आधे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे सर आपने वो नंबर क्यों नहीं लिया भाई मेरे नंबर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता आप लेके देख लो चाहो तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा बस टाइम खराब होगा और कुछ नहीं होने वाला अरे भाई आर की वैल्यू निकालना है तुमको तो आप करते फिफ्टी टू हंड्रेड ये एक परसेंट की वैल्यू होगी आर की वैल्यू निकालना तो 20 से गुणा करते यही बात करते ना रेस्ट की बात करते हम रेस्ट रेस्ट तो रेस्ट हमारे पास कितना है अस्सी परसेंट तो भाई मेरे फिर से वही एक परसेंट की वैल्यू निकालते तुम सोलह परसेंट से डिवाइड कर अस्सी परसेंट अरे मेरे भाई इससे ये डिवाइड हो गया कोई फर्क नहीं पड़ा कट गया तुमने बस टाइम खराब करा लिया और कुछ नहीं ठीक है सेटिस्फाइड रहिए चीजों को मैं शॉर्ट में बताता हूँ लेकिन भैया इसके पीछे का राज भी समझिए सुनिए अगला क्वेश्चन राइट right? तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा देखिए उससे पहले सुन लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट लाइने है। कहते हैं कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त हौसलों से उड़ान होती है हौसला बना के बैठे हर चीज समझने का प्रयास करिए आइए जुड़ने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं रेशियो ऑफ मोबाइल कंपनी सोल्ड ऑफ पी एंड टी नीज वॉट पी वॉटी जस्ट बैक पी टी चौबीस परसेंट प्लस पंद्रह परसेंट तीनों को जोड़ लीजिये कितना परसेंट हो गया मेरे भाई आपको मालूम पड़ा ये परसेंट बन गया कितना तो पाँच चार नौ हो गया मतलब आपके पास ये हो गया थर्टी नाइन परसेंट ये तो बना बात थर्टी नाइन परसेंट बना आगे चलो भाई आगे बोल रहे हैं क्यू और आर कहा है तो क्यू आपके पास ये रेड रखा है और सोलह परसेंट तो तो और आर की वैल्यू निकालना चाहते तो आर हमारे पास है बीस परसेंट और बीस परसेंट सोलह परसेंट दोनों को जोड़ दें तो आपको मिलेगा छत्तीस परसेंट भाई रेशो पूछा है परसेंटेज लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता और कट रहा काट लो तीन कम तीन तीन या नौ तीन एक कम तीन तीन दूना छह आंसर आएगा तेरह बारह तेरा बारह एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर टू इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कितना समय लग रहा है डी को बनाने जिस बच्चे ने इस डी को समझा होगा ना उसके लिए बहुत आसान है लेकिन ये पहली बार यदि कोई बच्चा लगा रहा है तो थोड़ी सी भैया प्रैक्टिस करिए रोज आना दो डी लगाने का प्रयास करिए एक मेरे साथ लगाइए और एक कहीं से भी उठा के लगा लीजिए मैं आपके साथ डीआई मैक्सिमम लेके आने का यही प्रयास है मेरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम डीआई आपके साथ डिस्कस कर लो ठीक तो डीआई की जो सीरीज चल रही है सिंप्लीफिकेशन ये दो वो टॉपिक हैं जो आपकी कैलकुलेशन की जान है तो इसको समझ लीजिए नेक्स्ट चौथा तो क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन ये बोल इफ नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड ऑल कंपनीज इन ट्वेंटी इज थर्टी परसेंट मोर इस थर्टी परसेंट मोर एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी रिमेन्स सेम एज इन ट्वेंटी नाइनटीन मतलब आपके पास सीधी सीधी कहानी है कि 2019 में जो आपके पास परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2020 के समान है ठीक है अभी और हिंदी में पढ़ लेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाई टी एंड एस इन ट्वेंटी एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए यदि 2020 में सभी पांच कंपनियों द्वारा बेचे गए मोबाइलों की संख्या 30 प्रतिशत अधिक है तो 30 प्रतिशत अधिक है तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है और 2020 में प्रतिशत वितरण 2019 के समान रहता है तो 2020 में टी और एस के बारे में बताओ सर कितना योग है सुनो ध्यान से एक बात ध्यान से सुन भाई मेरे एक चीज बताओ यदि मैं आपसे बोलूं यदि मैं आपसे बोलूं कि ये पांच दो डबल जीरो ये वैल्यू सोलह परसेंट तो भाई हंड्रेड परसेंट की वैल्यू कितनी होगी तो आप बोलेंगे सर ये रहा हंड्रेड मतलब मैंने पूरे सर्कल की वैल्यू निकाली कि भाई उन सभी कंपनियों के द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की वैल्यू हमने निकाल ली ध्यान से समझना मैं आराम से चीज़ें समझा रहा हूँ आगे चलो अब यदि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2020 में 2020 में इकतीस परसेंट ज़्यादा है तो मेरे भाई इस नंबर का एक परसेंट निकालेंगे तो एक निकालेंगे तो एक सौ तीस बटा 100 लिखते हैं तो भाई मुझे बताओ ये 2020 के मोबाइल फोन आ गए आपके पास सोल्ड समझिएगा ध्यान से बात को मैंने हर चीज को एक लाइन में सजा दिया है मैंने एक लाइन में पूरी चीज सजा दी है ठीक है आगे चलो अब उसके बाद मुझे बताओ यदि हम इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो एक डेटा आ रहा होगा तो कुछ ना कुछ डेटा जरूर होगा ठीक है अब जो भी डेटा आपके पास आ रहा होगा यहाँ पे एक डेटा आ रहा होगा मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ ध्यान से समझना पूरी प्रोसेस थॉट प्रोसेस को समझना ध्यान से अब जो भी डेटा आया वो 2020 का टोटल मोबाइल फोन है लेकिन उसने बोला है टी और एस के द्वारा तो तो हमारे क्वेश्चन ने खुद बताया हमको ठीक है भाई तो टी ये रहा और उसके बाद कौन एस चाहिए एस आपके पास येल्लो वाला साइन है तो भाई मेरे इन दोनों को जोड़ देंगे अपन लोग तो भाई बीस और बीस चालीस और पांच और नौ फोर्टी नाइन परसेंट आपके पास मतलब जो भी डाटा हम निकालेंगे उसका फोर्टी नाइन परसेंट यदि हम निकालेंगे तो भाई वही तो मेरा आंसर बनेगा बोलो क्वेश्चन की भाषा समझ आई कि नहीं आई क्योंकि भाई मैन है आपको भाषा को समझना यदि जिस बच्चे ने लैंग्वेज पे काम कमांड करी उसके लिए ये सारी चीजें तो भाई ये आपके लिए एक होमवर्क है आप इस कैलकुलेशन को जल्दी से सॉल्व करके अपने कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टाइप करके बताना जरूर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ वो भी डिस्कस करेंगे राइट लेकिन भाई आपकी ईमानदारी से कमेंट मिलना चाहिए ठीक है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके लिए एक होमवर्क दे दिया मैंने और ये होमवर्क बड़ा सादा सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन वाला होमवर्क है कॉन्सेप्ट का होमवर्क नहीं दिया मैं कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट मैं ही समझाऊ ठीक है क्योंकि एज अ टीचर मैं आपको ट्रीट कर रहा हूँ स्टूडेंट आपको ट्रीट कर रहा हूँ कुछ भी मान लो आओ अगला क्वेश्चन कितना शानदार है ध्यान से समझना इतमान से समझना क्या बोल रहे हैं मोबाइल फोन एक ही क्वेश्चन शानदार है और कुछ नहीं है बाकी तो तीन क्वेश्चन ऐसे ही हैं सर ये तो देखते चौथा कैसा है सुनो ध्यान से मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी पी इज व्हाट परसेंट मोर तो पी वाली कंपनी कौन सी है दोस्त तो पी आपको पता है चौबीस परसेंट वाली तो पी आपके पास जो है वो चौबीस परसेंट वाली है ठीक है चौबीस परसेंट वाली आपके पास कौन है पी है ठीक है भाई अब इतनी बात मुझे बताओ उसने बोला है किससे कंपेयर कर रहे हैं आर कंपनी से तो भाई आर कितना है आर की कंपनी देख लो आर कंपनी आपके पास ये ग्रे साइंस है मतलब ट्वेंटी अब वो बोल रहा है जो पी कंपनी है वो आर से कितना परसेंट ज़्यादा है मेरे दोस्त आप मुझे बताओ ये इससे सिर्फ और सिर्फ चार ज़्यादा दिख रही है चार ज़्यादा है तो भैया बीस से ही तो पूछा उसने तो सौ से कितना बीस से पूछा है और सौ से कितना यही तो पूछा है कि नहीं पूछा तो भाई मेरे चार पंजा बीस हो गया तो एक बट्टा पांच का मतलब होता कितना है कितना एक बट्टे पांच इसका मतलब होता है बीस तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं पे फिर से आसानी से आसानी मिल चुका है क्या आप मेरी बात समझ गए सारे लोग देखो चीजें बहुत आसान है आप थोड़ा सा प्रयास करो राइट तो भाई आज की वीडियो बहुत शानदार हुई है अच्छी डीआई मैंने आपके साथ डिस्कस की है इसको एक बार क्या दो बार तीन बार प्रैक्टिस करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो राइट और मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ने का प्रयास करें जहाँ पे मैं मैक्सिमम टाइम, टाइम एक्टिव मिलूँगा आपको तो कोई भी समस्या आपको पढ़ाई से रिलेटेड यदि आती है तो आप मुझसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं चलिए इसी इंटरेस्टिंग वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज़ को मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे थैंक यू